पहली बात तो सारे सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं अमरजोत सिंह और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि मैं इस वक्त दिल्ली आया हुआ हूं। आई एम नॉट इन कनाडा एनी मोर। सम पीपल आर ट्राइंग टू कॉल मी कनाडा, आई एम नॉट इन कनाडा एंड आई लाइक टू टॉक टू पीपल हियर इन हिंदी। हिंदी मेरे को बहुत अच्छी लगती है लैंग्वेज बोलने के लिए, और मेरे को बहुत अच्छा मौका लगता है कि जब मैं भारत आता हूँ तो मैं बिल्कुल बात करूँ इंग्लिश। ये लोग कहते हैं आप इंग्लिश बोलते हो तो मज़ा नहीं आता। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक मिश्रा, जो आज सुबह का एक वो है, क्लाइंट है यहाँ पर। इनको मैं बंद कर दूँ जरा, एक किसी की और कॉल आने लगी है। अभिषेक मिश्रा, ये आप यूपी के रहने वाले हैं, अमेठी के रहने वाले हैं, और इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत मेरे को एक हिंदी में लिखा कि आदरणीय फलाना फलाना आपसे निवेदन है। तो मेरे को हिंदी, इनकी हिंदी देखकर मैं इतना कायल हो गया, मैंने कहा इनसे पहले बात करनी ही पड़ेगी। और आपने जिस हिसाब से लिखा और जैसे लिखा उससे आपने मेरा दिल जीत लिया। तो अभिषेक मिश्रा, मैं आपके आपके तरफ ध्यान दे रहा हूँ। बताइए आपको क्या क्या सवाल है मेरे से, कनाडा के बारे में क्या आपकी जिज्ञासा है, क्या क्या आपके विचार है? जी सर, जी सर, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था और मैंने कई एजेंट से बात भी की, लेकिन टोटली वही फ्रॉड वाला काम है सर। कोई लीगल एडवाइस नहीं देता है, कोई कुछ नहीं है। सो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कनाडा में काम करना चाहता था, लगभग 2-3 साल से मैं यही चीज़ें देख रहा हूँ। तो लोग सिर्फ फ्रॉड बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। मैंने आपकी वीडियोस देखी तो काफी इंस्पायर हुआ मुझे, आप एक लीगल पर्सन लगे, तो मैंने आपसे बात करने की कोशिश की सर। और कोई बात नहीं है बस। जी अभिषेक, चलो आपके आपका आपका जो समस्या का समाधान कर देते हैं। आपने कहा जी कि सर, बहुत लोग यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड करते हैं, सारी दुनिया में चलता है ऐसे, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप ये बताएं कि आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप करते क्या है यहाँ पर आजकल, क्या रोजगार क्या है, क्या नौकरी करते हैं? जी रोड नौकरी तो मैं कोई नहीं करता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ, देन मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर इलाहाबाद से। तो सर अब मैं सोच रहा हूँ जॉब करने के लिए कनाडा में। थोड़ा सा बीच में कट गया, हमें समझ नहीं आया कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, स्टाफ जी, सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। आपने 12वीं कब करी, किस साल में करी है? तो 2015 में। 5 साल हो गए, 6वां साल चल रहा है। तो जी जॉब जी जॉब उसे जॉब तो कुछ ना कुछ करें आप, अगर तो आप जॉब क्यों नहीं करते, कुछ ना कुछ तो जॉब करने की, नहीं गुजारा कैसे सर, चलेगा? उसके बाद मैंने 3 साल सर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना। बीए 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। किस किस जस्ट रेगुलर बी ए? अच्छा जी, अच्छा उसके बाद सर मैं 2 साल 2.5 साल जो है अपना एसएससी की तैयारी कर रहा था इलाहाबाद से। जी, कुछ तो कुछ सफलता सर मिली इसमें, करें सफलता मिली कुछ? सर एक बार मेरा कंप्लीट हुआ था जो है एसएससी में निकला हुआ था, पर सर मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो सर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस वजह से मैं जॉब करना चाहता हूँ अब। तो मैं कनाडा के लिए ट्राई कर रहा था। अभिषेक अभिषेक, मेरा मेरा मेरे आप मेरा उत्तर आप बड़े ध्यान से सुने और बहुत सारे लोगों को शायद फायदा हो जाएगा। देखिए, अच्छा है आप एक महत्वाकांक्षी युवक हैं और आप कनाडा भी जाके मेहनत करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो एक जो जो आप एक ये सोच रहे हो, जो आपका मंसूबा है, जो आप प्रयास कर रहे हो, उसके लिए पहले आपको शुरुआत भारत से करनी पड़ेगी। जी सर, अगर आप भारत में नौकरी नहीं करते हैं यहाँ पर, तो आपको वहाँ नौकरी सीधे तो कोई देगा नहीं। कोई भी जो एम्प्लॉयर जो हायर करता है, पहले ये देखता है कि भी आप आपके पास क्या एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास शैक्षिक योग्यता क्या है, आपके पास अनुभव क्या है। अगर आपके पास यहाँ पर ही अनुभव अगर जीरो है, तो वहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं ऐसे कि ऐसी जॉब मिलने वाली नहीं है कैनेडा में। और जी सर, दूसरा ये है कि आपने बीए किया है और रेगुलर आपने जो लिबरल साइंसेज पढ़े हैं, उससे भी आपको डायरेक्टली जॉब यहाँ से कैनेडा में जॉब यहाँ से बैठे बैठे मिलना बहुत ही एक नामुमकिन सी चीज़ है, असंभव सी चीज़ है। मिलना मिल सकती है, बट आई एम नॉट सेइंग, पर हाँ बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कनाडा का सपना छोड़ के, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप यहीं पर भारत में पहले नौकरी करें, यहाँ पर कुछ अपना एक्सपीरियंस करें, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी, अगर आप टेक्निकल करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप कनाडा के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में सोचो, इससे इससे ही कुछ हो पाएगा। अगर आप अभी सोचे कि बैठे बैठे मेरे को जॉब मिल जाएगी, यहाँ पर जॉब कर मैं नहीं करूंगा, वहीं पर करूंगा, वहाँ पैसे बनाऊंगा, तो नहीं सर, वो एक्चुअली एक्चुअली पॉसिबल। मैंने
जी सर, जी सर, एक्चुअली सर मैंने लगभग 4 या 5 साल जब मैं अपना जो है इंटर फाइनल हुआ था मेरा, उसके बाद मैंने अपना खेती बाड़ी में बहुत काम किया है, हमारे पास खेत भी हैं, तो मैं ऐसे फार्म वर्कर टाइप में जॉब कोई ढूंढ रहा था, उसके बाद तो मैं वहाँ के फिर देख लेता कोई अगर फार्म वर्कर्स में कहीं या फिर मिश्रा कंस्ट्रक्शन। जी ऐसे जॉब मिलने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन लें, क्योंकि आपके अंदर एक ये है कि आपको जॉब मिल जाए, फार्म में मिल जाए, और इसी तरह से आपके कोई ना कोई कंसल्टेंट आपको बेवकूफ़ बना देगा कि आपको बोलेगा कि पैसे इतने जमा करो, फलाना करो, वो होगा, होने वाला नहीं है। तो जी सर, यहाँ से, इंडिया से बैठे बैठे आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई इंसान कोई अगर कह रहा है कि ये पॉसिबल है, तो कोई ना कोई पैसे आपसे एंट लेगा, कम से कम 25-30 लाख रुपए, तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जी मेरी आपसे सब विनय निवेदन है कि आप कृपा करके यहीं पर अपना काम करें, यहीं पर अपना कुछ ना कुछ जो भी काम कर रहे हैं, SSC में हो जाता तो फिर तो कोई चक्कर नहीं है। जी तो कनाडा सबके लिए बना नहीं है, कनाडा कुछ खास एक परिस्थितियों में एक सूटेबल हो सकता है सबके लिए, हर एक इंसान के लिए कनाडा फेवर नहीं करेगा। तो ये मैं आपको कहना था, कहीं पर अपने पैसे मत फंसा लेना, कहीं पर कुछ और चक्कर मत कर नहीं लेना। सर, इसलिए तो मैंने आपसे पहले एडवाइस ली सर, मैं कोई पैसे फंसाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था इसी वजह से। फार्म का जो काम होते हैं ना, जो फार्म वर्कर जो आपने कहा, वो जो खेतों में काम करते हैं, उसके लिए जॉब निकलती तो हैं कई बार, लेकिन वो सब वो एक जो प्राइवेट जो जो फार्म ओनर्स हैं, जो वहाँ बड़े बड़े फार्मर्स हैं, वो जी उन्हीं को देते हैं जहाँ उनकी अपनी एक सेटिंग हो, सेटिंग समझते ना, मतलब या तो कोई रिश्तेदारी होगी किसी की, या दोस्ती होगी, या कोई पैसे का लेन देन होगा। वैसे जी सर, आप सोचो कि आप सीधे अमेठी से उठकर, उत्तर प्रदेश से उड़कर सीधे कनाडा में लैंड करके फार्म वर्कर पर आपको जॉब मिल जाएगी, और आपको 10-12 डॉलर घंटे की आपसे सीधे मिल जाएगी, बगैर पैसे खर्चे हुए, बगैर इधर उधर तिकड़म करे हुए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए अपना अपनी ज़िंदगी का टाइम खराब ना करें, यहीं पर बैठे कुछ ना कुछ अपने काम करें, जो भी कुछ करना करें, और उसके बाद जब आपका थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, उसके बाद आप सोच लें। जी सर। और बताएं मेरे लिए, और कोई सवाल आपका? नहीं सर, बस इतना ही था। ठीक है, आपने बहुत अच्छा मेरे को पत्र लिखा, कि एक बार पढ़ के सुना दे क्या लिखा है उसमें, क्या दोबारा से बता दे जरा। जी सर कुछ नहीं, बस वैसे ही अपने मन से लिखा था। रेडी जी, अब हम मैं आप जैसे आपको पता ही कि मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जी और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और यही सब था मेरी उम्र जो है सर वो था। और बाकी मैंने अपना जो प्रश्न था वो आपके सामने रखा था कि मुझे जो है काम करना है कनाडा में, ऐसा वैसा। नॉर्मली नॉर्मली ये जो सारे जो मैसेजेस जो लिखते हैं ना हमारे यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, एक हमारे असिस्टेंट है वहाँ पर कनाडा में, हमने रखी हुई है, एक लड़की है, तो वो हमारे सब मैसेज देखती हैं, और वो फिर डिसाइड करती हैं कि इसको अपॉइंटमेंट करना है नहीं करना। तो वैसे, लेकिन कभी कई बार पता नहीं, जब मेरा मूड आ जाता है तो मैं मैसेज देख लेता हूँ। जब मैंने आपका मैसेज देखा, तो आपका जो जो पत्र जो आपने जो लिखा मेरे को, मैं उससे प्रभावित बहुत हुआ, क्योंकि आपका जो निबंध लिखा है वो बहुत ही उच्च दर्जे की है, और आपका जो एक तरीका था लिखने का वो भी है। तो मैंने कहा कि अभिषेक से आज बात करनी ही करनी पड़ेगी, तो आप मेरे आज सवेरे बहुत अच्छी पहले बात पहले सर। आ, आ, पहले आ, जो वार्ता आपसे पहले हो, सबसे यू आर द फर्स्ट वन, तो ये बात है। चलिए, थैंक यू अभिषेक मिश्रा, आपके मैं आपको बधाई देता हूँ, आपकी ज़िंदगी की शुभकामनाएं मेरी आपके तरफ है कि आप ज़िंदगी में कामयाब होगी। अगर आपको कनाडा में, अमेरिका में, कहीं ऐसा कोई, अगर कोई ज़िंदगी में कोई केस फंस जाए आपका कुछ है, तो ज़रूर मेरे को याद करें। जी सर, जी सर, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार सर। थैंक यू। सर एक सर हेलो सर,